पे भाई कितू आयो तो सा हां कम कीने लग जा पे तो सा को मजा आंदा पे हां तो सा सिरे की बुलेंदे हो हां मैं उन इंशाल्लाह मुल्तान वैसा जलाल पे पीर वाला हां वाह 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 जबरदस्त नाला के तो सादा और तो सादा असगर वाह 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 ये मेरा चैनल है होते मैं वीडियो रखे था ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आगा ट्रेवलर आपके साथ। सिंध के आम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो ना वो एक्सपोर्ट होता है। ये हमारा जो ना वो सिंध का सिंधड़ी आम है। इस जैसा आम आपको पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंध के लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। इसी तरह से मोहब्बतों से भरा हुआ ये सिंधड़ी आम, इसका नाम भी बड़ा प्यारा है, सिंधड़ी सिंध के साथ है। तो ये देखें ये शाख है और आहा मेरा तो अभी भी पानी आ रहा है। तो भाई ये बहुत ज़बरदस्त हैं, ये देखें पक्के पक्के। और हम आपको लेकर चलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे जो है वो मज़दूर तोड़ रहे हैं, तो वो भी जो है वो हम आपको वीडियो दिखाएंगे कि यहाँ से कितनी जो है वो मेहनत से मुशक्कत से जो है वो ये तोड़ रहे हैं। ये देखिए ये आ रहे हैं और ये यहाँ से जो है वो फेंक रहे हैं तोड़ के, और ये यहाँ से हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा करीब लेकर आ जाए और ये इनको कैच करेंगे। ये देखो ये कच्चे हैं और फिर इनको लेकर जाएंगे, ये देखें, और यहाँ पर ये तोड़ रहे हैं और ये इनको पकड़ेंगे। हिदायत ये देखें कैमरामैन से कहेंगे कि ये थोड़ा सा दिखाएं, ये इनको कैच कर रहे हैं और ताकि ये ख़राब ना हो, ये ऊपर से फेंकते जा रहे हैं। ये देखो कितनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस है, बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन। और यहाँ पर बहुत सारे मज़दूर हैं, ये देखें, और ये कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं। ऊपर आ जाएँ कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा ऊपर दिखा दें, ये देखो ये काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मेहनत है। और ये टोकरों में इधर आ जाएं, हम कैमरामैन से कहेंगे कि ये देखो टोकरों में भर रहे हैं, और ये देखो यहाँ पर ये टोकरों में भर रहे हैं। और इनसे थोड़ा सा हम पूछेंगे, अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा सा इधर आ जाए, इधर क्या नाम है? सदाम। कितना अर्सा हो गया ये काम करते हुए? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए, कैसा लगता है? मजदूरी वगैरह सही मिलती है? सही, बिल्कुल। गुजर सफर हो जाता है? हाँ हो जाता है। अच्छा ये अब टोकरों में भर के कहाँ ले जाओगे? उधर पथारी पे। अच्छा पथारी पर लेकर जाओगे, फिर पेटियों में डालोगे? पेटियों में डालेंगे। ओके जी, ये देखें ये यहाँ से जो ना वो उठा रहा है, कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा इधर आ जाए। ये देखें ये कौन सा है? ये दसड़ी है। अच्छा दसड़ी है, मीठा है? हाँ मीठा है बहुत। कम मीठा है या ज्यादा है? ना ज्यादा मीठा। अच्छा इसको कच्चा खाएंगे फिर भी मीठा होगा? फिर भी मीठा है। आप कहाँ से आए हो? हम मोया शहर से। अच्छा मोया शहर जी टंडो मोहम्मद खान से आए, यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, माशाल्लाह बड़े मेहनत मुशक्कत वाला काम है। ये देखें, और ऊपर हम कैमरामैन से कहेंगे कि यार बेचारे कितनी मेहनत मुशक्कत से जो है ना वो यहाँ पर लगे हुए हैं और ये आम जो है वो तोड़ रहे हैं। ये जी प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त। और ये देखें ये देखें, हम थोड़ा सा कैमरामैन से कहेंगे इसको पकड़े और हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी बहुत। ये हम काम कर रहे हैं और ये देखो, ये देखो जी, ये देखो हम कैच कर रहे हैं। ओहो ये माशाल्लाह यार, हम भी इधर मजदूरी पे हम भी आता है। ये देखें बहुत मेहनत मशक्कत का काम है, बेचारे दिन रात जो है वो एक करते हैं। ओ ये देखो, ओ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, ये देखें ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त। हमने भी जो है वो इसकी प्रैक्टिस की है और बहुत बेहतरीन है, बड़े मेहनत करने वाले हैं। तो हम चलते हैं आगे और आगे की भी वीडियो बनाते हैं। ओके जी, हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ आमों का जो है ना वो मरकज़ है टंडो केसर। और ये देखें आप, बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर कलेक्ट करते हैं, और ये भी जो है वो आम है। तो यहाँ के जो ओनर हैं हम उनसे जो है वो बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका क्या नाम है? अब्दुल समद। अब्दुल समद, ये कितने सालों से जो है ना वो ये आप काम कर रहे हो? ये हमारा 8-10 साल हो गए। अच्छा, ये फिर आप कहाँ कहाँ कौन कौन से इलाकों में जो है वो एक्सपोर्ट करते हो? ईरान हो गया, पेशावर हो गया, हम एक्सपोर्ट तो ईरान ही करते हैं, और हैदराबादी मंडी में पेशावर वगैरह जाते हैं हमारे। हम अच्छा, इसके रेट्स जो है ना वो आपको फॉरेन कंट्रीज में ईरान और पेशावर में अच्छे मिलते हैं? अच्छे मिलते हैं जी जी। अच्छा, इसमें कौन कौन सी जो है वो क्वालिटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है एक्सपोर्ट, वो आप थोड़ा सा हमें बता दें? हो गई आज सिंधड़ी की तो हमने तारीफ़ की है कि बहुत ज़बरदस्त है, कहाँ पर है ये अब आप दिखाएं? अच्छा, वो कैमरामैन से कहेंगे कि हम चलते हैं सिंधड़ी आम की तरफ, ये आप इधर आ जाएं। तो ये जो है वो सिंधड़ी आम है,
ये अच्छा, ये कितने दिनों में जो है वो तैयार हो जाता है? अब इसमें पेटियों में डालते हैं। अच्छा, 3 दिन में आप पेशावर जब पहुंच जाता है तो वो तैयार हो जाता है। ये सिंदड़ी है। अच्छा, ये कौन सा है? ये गोल सा। अच्छा, ये देसी है। और वो अच्छा, ये देसी की जो ना वो वैरायटी है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बेहतरीन। ये देख सकते हैं कि हमारे सिंध के आमों की जो है वो क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। एक यूट्यूबर भी हैं, गुलाम कादिर हमारे साथ हैं, टंडो केसर के हैं, KMC पाकिस्तान के नाम से माशाल्लाह इनका चैनल भी है और ये भी एक्सप्लोरिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आगा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान है। कैसा लग रहा है यहाँ पर? मैं अभी तकरीबन कश्मीर गया था तो वहाँ जब मैंने आमों के रेट वहाँ देखे तो 250 रुपये 300 रुपये किलो, और यहाँ पर हमारे पास इतने ज़्यादा जो ना वो आमों के बाग के अंदर, तो हम सिंध वाले खुश नसीब हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें इतने बागात मिले हैं कि हम लोग बिल्कुल ऐसे आते, किसी के बाग में चले जाते तो हमें मुफ्त खाने को मिलते हैं, तो ये हमारे लिए सहूलत अच्छी है। बाकी ये है कि हमारे यहाँ अभी तकरीबन 1 महीना हो गया है, थोड़ा गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि मेहरबानी करें, एक्सपोर्ट का जो माल है ना वो ओपन करें, ताकि ये इनका बहुत बड़ा ख़र्चा होता है पूरे बाग के अंदर। देखें, इस दवा हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी शॉर्टेज हुई है, उसके अलावा जो बाग जो लिए गए हैं वो भी बहुत सारे महंगे हैं, इसमें बहुत सारा खर्चा लगता है, तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि देखें कितना खर्चा होता है, इससे लाखों लोगों का जो है ना रोज़गार लगा होता है। पंजाब से लोग आते हैं यहाँ पे, उसके अलावा थर से आते, मतलब पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ पे, उनकी जो रोज़ी लगी होती है। तो हम अपील करते हैं कि आसानियाँ पैदा करें एक्सपोर्ट के लिए, और हमारा जो माल है ना इनका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सके। ओके जी, बहुत अच्छा लगा हमें, और इंशाल्लाह मुख्तलिफ बागों की आपको जो है वो वीडियो दिखाते रहेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़दूरों से भी हमने कुछ बात की है, वो भी उन्होंने भी कमेंट्स दिए, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि यार खुदा के लिए हमारे सिंध को पानी दें, और यहाँ के जो ना वो एग्रीकल्चर है बहुत बेहतरीन एग्रीकल्चर, आम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, ख़ास तौर पर मैंने सिंधड़ी आम दिखाया वो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। तो प्लीज़ खुदा के लिए इनके एक्सपोर्टर्स को सहूलतें दें, टैक्सेस वगैरह कम लगाएँ ताकि ये जो है वो एक्सपोर्ट कर सकें और यहाँ से अपनी जो ना वो इनकम कर सकें। आगा ट्रेवलर मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इसको देखें, ताकि उन्हें पता चले कि भाई हम सिंध के लोग जिस तरह से सिंधड़ी आम मीठा है, इसी तरह से जो ना वो मीठे लोग भी हैं, और यहाँ आएँ हमारे बागात को देखें, और इनके जो मसाइल हैं उनको हुकूमत से कहूँगा कि इनके मसाइल को जल्द से जल्द हल करें और पानी का मसला हल करें। आगा ट्रेवलर को इजाज़त है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।